हेलो एवरीवन, डबल टैप टू एक्टिवेट। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग फिर से HTML की क्लास में आपका वेलकम करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत हैप्पी होंगे और सारे लोग बहुत एक्सप्लोर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पहले तो मेरी तरफ से आप लोगों को विश यू वेरी हैप्पी होली इन एडवांस। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं। और HTML में दोस्तों हमने लिंक इंसर्ट करना सीखा, हमने टेबल बनाना सीखा, हमने कॉलम और रोज को मर्ज करना, क्या कुछ नहीं सीखा हमने? हमने क्या बोलते हैं, हमने बहुत कुछ सीखा, हमने बटन बनाना सीखा, हमने बहुत ही कुछ सीख लिया HTML में। चलिए एक नई चीज़ और सीख लेते हैं, क्या करना? इमेज इंसर्ट करना। इमेज इंसर्ट करना, इमेज इंसर्ट के लिए आपको इमेज तो सबको पता होता होगा। क्या होता है इमेज? यानी कोई फ़ोटो, कोई भी इमेज जिसका एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन होता है .jpg। क्या होता है ये? कोई भी इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .jpg। दोस्तों इमेज इंसर्ट करना बहुत काम की चीज़ है और सभी को HTML में जब भी वेब पेज बनाएं इमेज इंसर्ट ज़रूर करना आना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, फाइल एक्सटेंशन भी याद रखिए .jpg। तो पहली बात तो हम ये करते हैं नंबर वन पर कि हमें जब कोई इमेज इंसर्ट करनी हो तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास URL है तो हमें वो URL पेस्ट करना है। ठीक है, पहले तो देखिए बेसिक सी बात है कि हमें जो फंडामेंटल्स टैग देने होते हैं HTML के, वो टैग देने हैं। फिर अगर आपको जो वेब पेज बनाना है तो इमेज आपके पास होना ज़रूरी है। अब अगर उसका कोई URL है तो आप URL, कोई वेब एड्रेस है तो वेब एड्रेस वो आपके पास होना चाहिए। और कंप्यूटर में है आपके, अगर पर्सनली आप कंप्यूटर में रखे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट लोकेशन पे कहाँ है, किधर है वो फ़ोटो। समझ में आई बात? पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि हम किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, किस तरह का वेब पेज है हमारा। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि वो जो कंटेंट बना रहे हैं हम, वो में उसमें हमें फ़ोटो, क्या फ़ोटो इंसर्ट करना है, क्या मतलब वो इमेज कौन सा JPG लगाना है, वो हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि उसके उसका कोई URL है, मतलब हमने किसी जगह पर उसको इंसर्ट किया हुआ है, चाहे वो ड्राइव या कुछ भी हो, URL हमारे पास होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया हुआ है, किसी वेबसाइट पर आपने लगा रखी है, वहाँ से लगाना चाहते हैं, तो वेब एड्रेस आपके पास होना चाहिए, मतलब वही वेब एड्रेस लिंक। और तीसरा ये कि अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप पर्सनली अपना इमेज ऐसे ही लगा रहे हैं, आपके पास सिस्टम में है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। क्या पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? तो एग्जैक्ट लोकेशन का पता होगा तो पहली चीज़ आपको इमेज लगाने में ये बहुत बड़ी आसानी होगी। दूसरी बात आपको ये होना चाहिए कि देखिए हमारे वीडियो को या हमारे जो ऑडियो हैं वो उन्हें सब लोग सुनते हैं, वो विजुअली चैलेंज्ड भी पर्सन हैं हमारे दोस्त, और वो हमारे नॉर्मल नहीं कहेंगे, उनको साइटेड कहेंगे, साइटेड पर्सन भी हैं जो देख सकते हैं। तो मतलब वो जो विजुअली चैलेंज्ड हैं वो उन्हें ये तो पता चल जाएगा कि फ़ोटो है, लेकिन क्या उनको ये पता चल जाएगा कि क्या ये पता चलेगा कि ये फ़ोटो तो है पर ये किसका फ़ोटो है, क्या फ़ोटो है? तो यानी कि इसमें कोई डिस्क्रिप्शन टैग भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो दूसरी चीज़ मैंने क्या ध्यान रखने की बताई, पहला कहा कि या तो आपके पास लिंक हो, URL यानी कोई वेब एड्रेस हो, या फिर जिस सिस्टम से लगा रहे हैं तो आपके पास वो लोकेशन आपको पता हो, नहीं तो आप पहले सर्च कर लो लोकेशन सिस्टम में कहाँ है। दूसरी बात मैंने क्या कही कि सारे लोगों का ध्यान रखिए, साइटेड पर्सन के साथ साथ VI पर्सन भी हमारे ट्यूटोरियल्स को देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि वेब पेज बनाए हमने, हमने कोई फ़ोटो लगाया वो तो देख लेंगे, लेकिन जो जो हमारे विजुअली चैलेंज पर्सन, साइटेड पर्सन तो देख लेंगे, जो विजुअली चैलेंज पर्सन है वो कैसे देखेंगे? वो तो सिर्फ इतना ही सुन पाएंगे, ग्राफिक 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 ऐसे ही सुन पाएंगे, ग्राफिक मतलब फ़ोटो,
अब उन्हें ये तो पता हो गया कि फोटो है, लेकिन क्या उनको ये पता नहीं होना चाहिए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड फोटो है, ये किसका फोटो है? तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें हमें डिस्क्रिप्शन का भी इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए भी हमें कोई ना कोई टैग का यूज़ करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसकी जो पिक्सल है वो कितना रखते हैं, कितना रखेंगे पिक्सल, ये आप ध्यान रखें। और पिक्सल क्या होता है, जिससे फ़ोटो बड़ा होगा छोटा होगा ये ज़रूर, इसलिए उसके पिक्सल को आप डिसाइड करके रखो ताकि वो बुरा ना लगे, अच्छा लगे कितने पिक्सल में फ़ोटो है तो अच्छा दिख रहा है स्क्रीन पर, ये एक चीज़। तो इसके लिए भी हमको टैग के थ्रू ही करेंगे। चौथी बात ये कि ये भी पता होना चाहिए कि हम जो इमेज इंसर्ट कर रहे हैं उसकी हाइट हमें कितनी रखनी है, कितनी हाइट हमें कितनी रखनी है, तो वो हाइट भी हमें सोच के रखनी है कितनी हाइट पे हमें ये इमेज इंसर्ट करनी है। ठीक, चार बातें हो गई। पांचवी बात आपको ये याद रखनी है कि जब सेव करेंगे तो कोड पे फाइल नेम देंगे, स्पेस की जगह जहाँ जहाँ स्पेस करना है फाइल में वहाँ स्पेस, मतलब फाइल जब सेव करेंगे तब, जैसे मान लो लिखा है सिस्टम इमेज या कंप्यूटर फोटो, तो कंप्यूटर स्पेस फोटो नहीं करेंगे, कोड करके कंप्यूटर और लाइन शिफ्ट डैश से और फिर इमेज, मतलब जहाँ स्पेस का यूज़ है वहाँ ना करके लाइन बनाएंगे और फिर डॉट एचटीएमएल करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, डॉट एचटीएमएल करके फिर जो है आप कोड क्लोज करके और फाइल टाइप में ऑल करेंगे, तब जाके आप इसको सेव करेंगे। आप इसको रन करके देखिए, पांच बातों का ध्यान आपको रखना है ये कल, और मैं आपको पांच बातें ध्यान दिलाऊंगी। इसके बाद आपको मैं ये नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्यों नहीं बताऊंगी ये, क्योंकि फिर हम डायरेक्ट इमेज लगाना सीखेंगे। तो इस हफ्ते इमेज को कैसे इंसर्ट करना होता है हम इसी पर बात करेंगे, और बहुत मज़ेदार क्लास होगा, कोई भी मिस मत कीजिए, सुनिए रेगुलरली। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।